हेलो गाइस, तो मैं जानते हो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू व्हाटएवर वी हैव डन इन लास्ट क्लास और इन आवर लास्ट वीडियो. सो हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर हम कहें कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस का जो सेकंड चैप्टर है ट्रेडिंग मेंबरशिप, उसमें हमने बहुत बड़े बड़े चीज़ें कवर कर रही हैं. जस्ट लाइक हमने पढ़ लिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम कैसे ले सकते हैं, एनएसई में मेंबरशिप होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एनएसई में एडमिशन कैसे ले सकते हैं फॉर अ मेंबरशिप, एनएसई में सरेंडर कैसे कर सकते हैं फॉर अ मेंबरशिप, नेटवर्थ पढ़ लिया हमने, डोमिनेंट प्रमोटर पढ़ लिया हमने, डोमिनेंट शेयर होल्डर्स पढ़ लिया हमने. मोस्टली हमने बड़े बड़े एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं. अब हमारे पास जो मेन मेन टॉपिक्स में एक और चीज आती है, सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबरशिप. सस्पेंशन क्या होता है, एक्सपल्शन क्या होता है मेंबरशिप में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला टॉपिक सस्पेंशन क्या होता है, उसके बाद का टॉपिक एक्सपल्शन क्या होता है. तो सस्पेंशन और एक्सपल्शन के बारे में जानते हैं. सस्पेंशन, देखो सस्पेंशन एक ऐसा वर्ड है, सस्पेंशन एक ऐसा वर्ड है ना, जो आप समझ जाओ ना तो आपका ये चैप्टर ही आपको समझ आ जाए, क्योंकि सस्पेंशन और एक्सपल्शन पे ही पूरा चैप्टर मेनली बेस्ड है. ये चैप्टर जो है हमारा ट्रेडिंग मेंबरशिप, ये चैप्टर मेनली 15 से 18 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, और एग्जाम में 15 से 18 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो सस्पेंशन, What does that suspension mean? Suspension का मतलब क्या होता है? जब suspension होता है ना, जैसे मान लो, हल्का सा पहले brief समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि suspension actually होता क्या है. तो suspension होता है one suspended from the market. For temporary period of time. तो जब किसी को ना सस्पेंड कर दिया जाता है, मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है, जब उसकी ट्रेडिंग मेंबरशिप आईडी जो होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि मान लो मैंने एक ट्रेडिंग मेंबर हूं, मैंने कुछ ऐसी गड़बड़ें कर दी, मार्केट में फ्रॉड कर दिया, लेकिन वो फ्रॉड कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड है, तो कुछ ना सजा तो मिलेगी ही मिलेगी. तो जो सजा मिली मुझे क्या कर दिया गया, कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम तक मुझे ट्रेडिंग रोक करने से रोक दिया गया. तो वही होता है टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, और इसी को हम कहते हैं सस्पेंशन. तो एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपने कुछ शैतानियां की होंगी. शैतानियां क्या की होंगी, मान लो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमने कुछ नहीं किया था, छोटा सा काम किया था हमने, प्रिंसिपल जो होता है उसके ऑफिस में दीवारी में बम फोड़ दिया था. मतलब प्रिंसिपल ने क्या था, क्या किया था हमारे साथ, प्रिंसिपल ने हम तीन लोगों को क्या कर दिया, दो हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया कि दो हफ्ते तक हम स्कूल में नहीं आ सकते. स्कूल में मैं तब भी हूँ, स्कूल के रजिस्टर में नाम मेरा तब भी है, लेकिन मैं स्कूल नहीं आ सकता फॉर 2 weeks. क्यों, उसने मुझे स्कूल से निकाला नहीं है, उसने मुझे सिर्फ दो हफ्ते तक आने के लिए मना कर दिया. ये एक सजा की तरह होती है, ये भी एक सजा है, जब आप स्कूल में ही नहीं जाओगे तो आपका नुकसान होगा. जस्ट लाइक इन मार्केट, इन सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो उसी शैतान बच्चे की तरह है जिसने प्रिंसिपल के रूम में बम फोड़ दिया था. तो उसी तरह हम ट्रेडिंग मेंबर को भी ट्रीट करते हैं, हमारा जो सैलरी है, एक्सचेंज है, एनएससीसीएल है, वो ट्रेडिंग मेंबर को ट्रीट करता है बिल्कुल उसी तरह. उस तरह जब वो ट्रीट करता है तो क्या उसे क्या सजा दी जाती है, उसे सजा दी जाती है मार्केट से फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है कि अब वो मार्केट में 1 साल तक 2 साल तक या फिर 1 महीने तक 2 महीने तक ट्रेडिंग नहीं कर सकता. तो सस्पेंशन होपफुली समझ आ गया होगा. उसके बाद हमारे पास अगला है एक्सपल्शन. देखो एक्सपल्शन भी आपने सुना होगा, एक्सपल्शन क्या होता है, सस्पेंशन जस्ट लाइक सस्पेंशन एक्सपल्शन भी होता है, पर वन एक्सपेल्ड फ्रॉम द मार्केट
फॉर परमानेंट। देखो जब एक बंदे को मार्केट से निकाल दिया जाता है बिल्कुल परमानेंट तरीके से, मतलब कि एक ट्रेडिंग मेंबर है उसे मार्केट से निकाल दिया गया टेम्परेरी नहीं परमानेंटली, और जब परमानेंटली उसे मार्केट से निकाल दिया जाता है ना तो उसका मतलब उसकी ट्रेडिंग मेंबर आईडी जो होती है वो ब्लॉक नहीं की जाती, उसे कैंसिल और डिलीट कर दिया जाता है बिल्कुल हमेशा के लिए। अब वो बंदा मेंबरशिप अपनी मेंबरशिप नहीं ले सकता फिर से, क्योंकि उसकी मेंबरशिप ही चली गई, उसे मार्केट से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने कुछ बड़े फ्रॉड्स किए हैं। तो एक्सपल्शन को भी उस बड़े उसी शैतान बच्चे से जोड़ो। मान लो उसने बम नहीं फोड़ा था स्कूल में, उसने किसी स्कूल की ऐसी प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया कि अब वो स्कूल में आ ही नहीं सकता, अब उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया, स्कूल के रजिस्टर से उसका नाम भी हटा दिया गया। तो जस्ट लाइक सस्पेंशन एक्सपल्शन, और फर्क क्या है सस्पेंशन और एक्सपल्शन में, सस्पेंशन होता है फॉर अ टेंपरेरी पीरियड ऑफ टाइम और एक्सपल्शन होता है परमानेंटली। तो ध्यान रखना सस्पेंशन और एक्सपल्शन में मतलब है जो सस्पेंशन और एक्सपल्शन का जो मतलब है बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सस्पेंशन मतलब मार्केट से बाहर निकाल दिया गया फॉर अ टेंपरेरी पीरियड ऑफ टाइम, और एक्सपल्शन मतलब हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया। तो सस्पेंशन और एक्सपल्शन मेनली समझ आ गया होगा। Let's move forward to the next topic. Suspension और expulsion कोई बड़ा topic नहीं है, तो अगले topic की तरफ निकलते हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। हमारे पास conducts आते हैं। Let's move forward to the conducts. Conducts. देखो conducts होते हैं काम करने का तरीका। If we काम, मेरी हिंदी कुछ ज्यादा खास है नहीं तो don't judge. अगर मैंने कुछ मात्रा में गड़बड़ कर दी हो तो माफी चाहूंगा। काम करने का तरीका, जब हम काम करते हैं ना कोई भी काम को हम डन करते हैं, when we do some kind of work, ठीक है, जब हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, उस काम को करने का जो तरीका होता है ना उसे ही हम कंडक्ट कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे मार्केट में भी कुछ काम करने के तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को तीन तरीकों में डाला गया है जब हम कोई गलती करते हैं। काम करने को हम तरीकों में, काम करने को हम बांट नहीं सकते, लेकिन हम अगर कोई गलती करते हैं इन रिलेशन टू दैट वर्क तो हम उसे कंडक्ट में डाल देते हैं, और वो कंडक्ट हो जाते हैं मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल कंडक्ट और अनबिजनेस लाइक कंडक्ट। तो सबसे पहले पहला टॉपिक मिसकंडक्ट क्या होता है। तो कंडक्ट्स में हमारे पास ऐसे काम जब हम जो काम हमें नहीं करने चाहिए ना वो काम हम कर देते हैं, तो उन्हें मिसकंडक्ट, अनप्रोफेशनल कंडक्ट या अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में डाल दिया जाता है, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है वो काम करना। हमें जिस सही तरीके से काम करना चाहिए हम उस तरीके से नहीं करते, एट द एंड रिजल्ट सेम है लेकिन सही नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की तरह समझो, मैं रास्ते पे जा रहा था और मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे पीछे से ऐसे मजे में थप्पड़ मारा, अब मुझे गुस्सा आया, मैंने क्या कर दिया, ठीक। तो काम ऐसा है, मुझे उसे सजा देनी थी, लेकिन सजा कैसे देती, मैंने गलत तरीके से दे दी। हाँ मुझे सजा देनी ही थी तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर देता, मैं उसे हल्का सा मार देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे बिल्कुल ही उड़ाई दूं, ना बिल्कुल नहीं। तो काम एट एंड रिजल्ट सेम है लेकिन रिजल्ट थोड़ा हार्मफुल है, थोड़ा फ्रॉडरी है जिसमें फ्रॉड हो सकता है, और ऐसा है जो अन मिसकंडक्ट है, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट है या फिर अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें डिपेंड करती हैं। तो समझने की कोशिश करना, बिल्कुल किसी को सिक्योरिटी मार्केट में जोड़ना, एग्जाम्पल को ज्यादा सीरियसली मत लेना, किसी कोई तुम्हें पीछे से मारे तो उसे उड़ा ना, ठीक है। तो इसी को सिक्योरिटी मार्केट में हम डालते हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट में भी ये होता है, जब हमारा कोई ट्रेडिंग मेंबर कुछ भी काम करता है, जब हमारा ट्रेडिंग मेंबर कोई भी कंडक्ट करता है तो उसे उस कंडक्ट को उसी तरीके से करना है जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं, जो हमें जिस तरीके से हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं उसी ही तरीके से हमें उस काम को कंप्लीट करना है। लेकिन इफ ऐसा नहीं होता तो उसे कैटेगराइज कर दिया जाता है तीन चीजों में, और वो तीन कैटेगराइजेशन है मिसकंडक्ट, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट
और तीसरा आता है अन प्रोफेशनल कंडक्ट, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट, अनप्रोफेशनल कंडक्ट, जो हम तीन तरीकों से ढाल देते हैं ना, मिसकंडक्ट, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट, अनप्रोफेशनल कंडक्ट, तो वो हो जाता है कंडक्ट को करने का तरीका जो होना चाहिए, किसी काम को करने का तरीका जो होना चाहिए, अगर उस तरीके से नहीं होता तो उसे हम तीन तरीकों में डालते हैं और उस तीनों तरीकों को हम समझते हैं कि क्या बिजनेस लाइक कंडक्ट होता है, क्या प्रोफेशनल कंडक्ट होता है, क्या मिस कंडक्ट होता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कंडक्ट में सबसे पहले आता है मिस कंडक्ट। देखो मिसकंडक्ट क्या होता है और मिसकंडक्ट में क्या मतलब हो सकता है। देखो अगर आप बुक की तरफ चलो तो बुक में एक डेफिनेशन दी गई है, ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर एक्ट्स और ओमिशन, नेमली हमें तीनों में तीनों टाइप ऑफ कंडक्ट में एक ही चीज लाइन लिखी हुई है, लेकिन एट द एंड इसका मतलब ये नहीं है। हमें मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या है, हमें कैटेगराइज करना है कि मतलब है ना कि देखो गलत काम तो गलत काम है, गलत तरीके से करना तो गलत तरीके से करना है, लेकिन हमें बुक में लिखा भी तो होना चाहिए। तो जो बुक दी गई है इसमें हमें इतना कैटेगराइज नहीं किया गया, लेकिन हम कैटेगराइज करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसकंडक्ट, बिजनेस लाइक कंडक्ट और अनप्रोफेशनल कंडक्ट। जब व्हेन अ ट्रेडिंग मेंबर do his work improperly, जब कोई ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर या फिर हम बोले ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर कुछ भी बोल दें, अगर कोई भी ऐसा काम करता है ट्रेडिंग मेंबर या स्टॉक ब्रोकर जो काम इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर नहीं होता, अगर मैं कहूं कि भाई इस कुर्सी को यहां से उठा के इधर रख दो, तो भाई सही तरीका क्या है, मैंने यहां से उठाया इधर रख दिया, लेकिन टेढ़े दिमाग वाले क्या करेंगे, बोलेंगे मेहनत क्या करनी, यहां से लात मारी उधर चला गया। नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए काम। काम सही तरीका क्या है काम करने का, यहां से उठा के इधर रखना। तो जस्ट लाइक दैट हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में भी ऐसा ही है। मिसकंडक्ट मतलब ये है कि हम कर तो रहे हैं कुछ काम को, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर रहे, बेसिकली गलत तरीके से कर रहे हैं। और गलत तरीके से अगर हम करते हैं तो दो ही हो सकता है, या तो भूल से कर रहे हैं, या तो हम ओमिशन कर रहे हैं, या फिर हम जानबूझ के कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं जानबूझकर करना, और या फिर हम कह सकते हैं ओमिशन भूलकर कर रहे हैं। तो मिसकंडक्ट होता है क्या, जब कोई काम इनप्रॉपरली होता है, व्हेन अ ट्रेडिंग मेंबर डू हिज वर्क इनप्रॉपरली। तो इसी के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रॉड, जब हमारा एक ट्रेडिंग मेंबर फ्रॉड करता है, जब हमारा एक ट्रेडिंग मेंबर फ्रॉड करता है, जब हमारा एक ट्रेडिंग मेंबर फ्रॉड करता है, या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, फ्रॉड एंड एनी क्रिमिनल ऑफेंस। अब देखो इसके लिए ना बहुत ही आसान सा और बहुत ही मस्त एग्जांपल है मेरे पास, एक ध्यान दो। मैंने अभी आपको रास्ते में बताया था ना कि एक दोस्त जा रहा था, उसे दूसरा दोस्त मिला, उसने उसे थप्पड़ मारा, उसने उसे उड़ा दिया। देखो क्या तरीका है, मैंने कोई काम तो कर दिया, ठीक है, अब मैं रास्ते से जा रहा था, उसने मुझे मारा, मैंने उसे उड़ा दिया, कोर्ट में गया, कोर्ट में बोला हमारे जज साहब ने कि देखो जो तुमने काम किया है वो तो गलत है, वो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, किसी को मारना मारे नहीं सकते किसी को ना, ऐसा नहीं है। आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको ऐसे कोई काम नहीं करना है जो फ्रॉड और क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेट करता हो। आपने ट्रेडिंग तो कर ली, ट्रेडिंग करने का तरीका भी कर लिया, सीख लिया, लेकिन आपने एट द एंड क्या कर दी कि फ्रॉड या क्रिमिनल ऑफेंस जनरेट हो गया आपके काम से, तो वो मिसकंडक्ट है। मान लो आपके पास से इन्वेस्टर आया, उसने कहा कि सर मुझे ट्रेडिंग करवानी है मार्केट में, पर हुआ क्या, आपने बोला बिल्कुल हम ट्रेडिंग करवा देंगे आपकी, आपने उसे पागल बना दिया, आपने बोला कि जाओ 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं आपकी ट्रेडिंग करवा दूंगा, आपको 10 के 20
रिलीज बना के दे दूंगा। देखो पहली बात तो ये गारंटी आपने दी, यही बड़ी बात है, ठीक है, यही गलत बात है कि आपने उसे गारंटी दे दी, ठीक है। दूसरी बात, आपने उसका पैसा लेके आप भाग गए, ठीक है, तो ये एक फ्रॉड है। और उसने कंप्लेन कर दी अगर आपके खिलाफ तो आप फंसोगे और आपको सस्पेंड या एक्सपेल कर दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर आपने फ्रॉड छोटा किया है तब तो आपको सस्पेंड किया जाएगा, और अगर आपने फ्रॉड बड़ा किया है तो आपको एक्सपेंड किया जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई भी फ्रॉड करते हो या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हो टू योर इन्वेस्टर बाय डन बाय अ ट्रेडिंग मेंबर और अ ब्रोकर, अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस आप करते हो अपने इन्वेस्टर के साथ जो कौन करता है ट्रेडिंग में या स्टॉक ब्रोकर, तब वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। अगर वो बड़े लेवल पे होता है तो एक्सपल्शन, छोटे लेवल पे होता है तो सस्पेंशन, ठीक है, समझ आया। और मेनली हम इसे ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हो, अगर आप ओमिशन करते हो रूल से हो जाता है तब मेनली क्या होता है सस्पेंशन मिलता है, और अगर आप जानबूझकर करते हो तो आपको एक्सपल्शन मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी दो दो केसेस हैं, अगर आप सस्पेंशन करते हो, ठीक है, अगर आपको सस्पेंशन मिलता है बाय ओमिशन, तो जरूरी नहीं है कि सस्पेंशन ओमिशन से सस्पेंशन ही मिलेगा ना। अगर आपने छोटी भूल की है तो आपको सस्पेंशन मिलेगा, अगर आपने बड़ी भूल की है तो आपको एक्सपल्शन मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द केस, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ केसेस आ सकते हैं, इसमें आपके क्या क्या केसेस आ सकते हैं, केस स्टडीज आ सकती है, तो ध्यान रखना केस स्टडीज इस टॉपिक से, स्पेसिफिक टॉपिक से आ सकती है। उसके बाद सेकेंड थिंग इज, सेकेंड चीज हमारे पास बुक में क्या दी गई है, इम्प्रॉपर कंडक्ट, जो मैंने आपको ऊपर बताया, कोई भी प्रॉपर तरीके से ना काम किया गया हो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर कंडक्ट। अगर कोई भी कंडक्ट आप प्रॉपर नहीं करते, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं करते, इम्प्रॉपर नहीं करते हैं, तो वो होता है इम्प्रॉपर कंडक्ट, और उसे हम मिसकंडक्ट के अंदर डालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आता है वो कहता है फेलियर टू सबमिट सबमिट और अवॉइड बाय आर्बिट्रेशन। जब आप आर्बिट्रेशन सबमिट करने से फेल हो जाते हैं, देखो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा अजीब सा भी है आर्बिट्रेशन। अभी आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस, जब दो ट्रेडिंग मेंबर्स के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ध्यान देना, ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, लड़ाई हो जाती है या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट में ना केस लंबे खींचते हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या कर रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाए, तो उन्हें एक प्रोसेस से निकलना पड़ता है, उस प्रोसेस का नाम होता है आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन एक टाइप ऑफ फॉर्म होता है जिसे फिल करके दोनों को जो ड्यूली साइन होना चाहिए, दोनों उस पर साइन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम एक डिसीजन पे पहुंचे हैं और इस निर्णय को हमने ले लिया है और हम आगे से हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। या फिर मान लो एक ट्रेडिंग मेंबर का एक इन्वेस्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब भी हमें आर्बिट्रेशन से निकलना पड़ता है अगर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन से समझा क्या होता है आर्बिट्रेशन। तो वैसे ही अगर आप आर्बिट्रेशन की फीस भरना, अगर आप आर्बिट्रेशन भरना भूल जाते हो ना, तो आर्बिट्रेशन को अगर आप सबमिट करना भूल जाते हो, मान लो सामने वाले बंदा, आपने पहले आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया उसके बाद आप सबमिट करना भूल गए, और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है आपके ऊपर मिसकंडक्ट का चार्ज लगाया जाता है और आपको एक्सपेल या सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या कहता है फेलियर टू सबमिट आर्बिट्रेशन, जब आप आर्बिट्रेशन सबमिट करने से फेल हो जाते हो तो आपको क्या कर दिया जाता है सस्पेंड या एक्सपेल कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द केस। उसके बाद आपके पास आता है फेलियर टू सबमिट ऑडिटेड अकाउंट्स, इसे रब कर लेता हूं, आपने कर लिया होगा नोट। फोर्थ,
चीज को या एनएससीसीएल को अपना ऑडिटेड अकाउंट फेल हो जाते हो सबमिट करवाने से, ऑडिट कौन करता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ड्यूली साइंड आप ऑडिटेड पेपर अपने ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट कराना भूल जाते हो, किसको, स्टॉक एज अ स्टॉक ब्रोकर, किसको, एक्सचेंज को, सेबी को या एनएससीसीएल को, तब आपके ऊपर सस्पेंशन या एक्सपल्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। ठीक, ऑडिटेड अकाउंट समझ आया। ऑडिटेड अकाउंट होता है एक अकाउंट्स कंपनी का, उस पर सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर देता है, तो उसे बोल दिया जाता है ऑडिटेड अकाउंट। तो उसे आप अगर सबमिट कराना बोल जाते हो एक्सचेंज सेबी या एनएससीसीएल को, तो आपके ऊपर सस्पेंशन या एक्सपल्शन के केसेस लगा दिए जाते हैं। उसके बाद आता है फेलियर टू कंपेयर सबमिट अकाउंट विद डिफॉल्टर। कहता है कि जब आप फेल हो जाते हो सबमिट करना डिफॉल्टर के अकाउंट्स के साथ अपना, सीधी बात क्या कहता है, फेलियर टू सबमिट और मेक, फेलियर टू कंपेयर और सबमिट अकाउंट्स विद डिफॉल्टर। जब आप फेल हो जाते हो कंपेयर करने से अपना अकाउंट्स किसके साथ, डिफॉल्टर के साथ, तब आपको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड या एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो क्या है, फेलियर टू सबमिट name, जब आप ट्रांजेक्शन या बिजनेस
बिजनेस डीलिंग्स करते हो फिक्टिशियस नेम से, मतलब क्या है, कहता है अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना तो क्या करते हो, उसे गलत नाम से करते हो। गलत नाम से मतलब कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो अपना बिजनेस खोलती हैं, उसके साथ साथ अपने अकाउंट्स को बचाने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को थोड़ा कम करने के लिए अपने बहुत सारे नकली कंपनीज खोल देती हैं, सब्सिडियरी कंपनीज खोल देती हैं, बोलती हैं कि ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी है और यहाँ से इतने चार्जेस हैं, ये हैं, वो हैं, इतने एसेट हैं, और उस पैसे से अपना टैक्स बचा लेती हैं। तो जस्ट लाइक दैट इन सिक्योरिटीज मार्केट व्हेन अ ट्रेडिंग मेंबर डू सच काइंड ऑफ थिंग्स कि बिजनेस डीलिंग्स करता है किसमें, फिक्टिशियस नेम्स में, या ट्रांजेक्शन करता है अपने बिजनेस की फिक्टिशियस नेम्स में, तो क्या होता है, उसे सस्पेंशन या एक्सपल्शन मिल जाएगा। मान लो उसने अपने जो अकाउंट्स बना रखे हैं उसमें उसने अपनी लायबिलिटी बढ़ा रखी है, फालतू की ऐसी कोई लायबिलिटी है ही नहीं। उसने अपने अकाउंट्स में क्या कर रखा है, अकाउंट्स में उसने डाल रखा है कि उसने 1 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, एंड ऐसा कोई लोन उसने लिया ही नहीं है, तो क्या होगा, वो फिक्टिशियस नाम उसने बिजनेस डीलिंग से या फिर ट्रांजेक्शन ऐसी की है जो गलत नाम से है या गलत है, तो उसे सस्पेंड या एक्सपेंड कर दिया जाएगा। वो सिर्फ चार्जेस से बचना चाहता है और उसके लिए उसने फिक्टिशियस नाम से कुछ ट्रांजेक्शन की हैं, तो क्या कर दिया जाएगा, उसे क्या कर दिया जाएगा, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में डाल दिया जाएगा, और अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में वो आ चुका है अगर, तो उसे सस्पेंशन या एक्सपल्शन डिपेंडिंग ऑन द केस मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड आता है आपका मार्केट मैनिपुलेशन एंड रिगिंग, पहले सर्कुलेशन ऑफ र्यूमर्स। कहता है जब हमारा कोई ट्रेडिंग मेंबर सर्कुलेट करता है र्यूमर्स को अपने बिजनेस में, जब वो सर्कुलेट करता है र्यूमर्स को अपने बिजनेस में, तो वो सर्कुलेशन ऑफ र्यूमर्स में आता है, मतलब कि वो बोलता है अपने बिजनेस में बात फैला देता है कि एक बात ध्यान रखना, अगर नॉर्मल बिजनेस की बात होती है तो नॉर्मल बिजनेस में अगर र्यूमर्स फैलते हैं तो बिजनेस बढ़ता है, लेकिन बात कहाँ की हो रही है, बात हो रही है नॉर्मल बिजनेस की नहीं, एक ट्रेडिंग बिजनेस की, एक ब्रोकिंग बिजनेस की। तो अगर ब्रोकिंग बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई अपने र्यूमर्स, कोई ट्रेडिंग मेंबर ही अपने र्यूमर्स इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैलाता है, तो उसे सस्पेंशन या एक्सपल्शन मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन में कोई कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बिजनेस करने के कोड ऑफ कंडक्ट अगर होते हैं तो आपको उसी तरीके से बिजनेस करना है, गलत तरीके से करोगे तो सस्पेंशन या एक्सपल्शन मिलेगा। तो र्यूमर्स भी नहीं फैलाने की, मान लो वो ट्रेडिंग मेंबर हूँ तो मैंने र्यूमर्स फैला दिए कि उसे मेरे से अगर कोई ट्रेडिंग करवाता है तो उसे 200% का ही प्रॉफिट होता है, तो ये र्यूमर्स हैं और ये र्यूमर्स गलत हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट, आपका गेन डिपेंड करता है ऑन मार्केट, मार्केट किस हिसाब से चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता, तो मतलब आप र्यूमर्स फैला रहे हो और र्यूमर्स फैलाना गलत बात है, और अगर र्यूमर्स फैलाते हो उस डिपेंडिंग ऑन द केस सस्पेंशन एक्सपल्शन मिल सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास एनी अनफेयर डीलिंग इन सिक्योरिटीज, अनफेयर डीलिंग्स इन सिक्योरिटीज विच डज नॉट शो द ट्रू मार्केट वैल्यू। Any dealings in securities which does not show the true market value, ऐसी कोई भी dealing आप करते हो market securities की जो true market value show नहीं करती, तो वो भी हमारे business like conduct में आता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने business में तो as a trading member किसी investor को ऐसी deal करवाते हो जिससे true market value reflect नहीं होती, मान लो कि मैं एक trading member हूँ, मेरे पास एक investor आया, उस investor को मैंने क्या कह दिया कि भाई देखो तो मैंने खरीदा था, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक इन्वेस्टर आया, मैंने इन्वेस्टर को बोला कि इन्वेस्टर सर
मैंने आपके पास जो 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था और उस 100 रुपए का एक शेयर मैंने बेच दिया 110 रुपए पर शेयर में, तो आपको एक शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन एट एंड हुआ क्या था, उसने वो शेयर क्या कितने का खरीदा था? 90 रुपए का, और बेचा कितने में? 120 रुपए का। जो इन्वेस्टर को जिस बारे में पता नहीं था क्योंकि वो बहुत बिजी था, तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 90 से 120, 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसने उसे बताया 10 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट अपने जेब में रख लिया। तो ये गलत है। ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी डीलिंग सिक्योरिटीज में जो ट्रू मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो वो गलत है। इस पे सस्पेंशन या एक्सपल्शन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। उसके बाद हमारे पास चौथा आता है मार्केट मैनिपुलेशन और रिगिंग। जब हमारा ट्रेडिंग मेंबर मार्केट को मैनिपुलेट करता है, मार्केट को मैनिपुलेट करना भी बिल्कुल इसी की तरह होता है। उसने मार्केट को मैनिपुलेट कैसे किया? मार्केट को मैनिपुलेट किया कि उसने गलत बता दिया। अब या फिर हम एक एग्जांपल और समझते हैं, पहले डाल देते हैं। मार्केट मैनिपुलेशन एंड रिगिंग। मान लो हमारा जो बहुत कोई बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक शेयर खरीदना शुरू कर दिए मार्केट से बहुत सारे, या फिर आपने पता होगा, आपको पता होगा सत्यम इंडस्ट्रीज के बारे में, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से किया था। उन्होंने अपने अकाउंट्स में अपने जो सब्सिडरीज कंपनी है उनके बारे में बता दिया कि भाई यहाँ से इसके इनकी इतनी वैल्यू है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कंपनी की वैल्यू थी 15,000 करोड़ और उन्होंने बताया 2,500 करोड़ के अराउंड। तो ये गलत था, उन्होंने मार्केट मैनिपुलेट किया। इन्वेस्टर्स ने सोचा बहुत महंगी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने शेयर्स खरीदने शुरू किए। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो कंपनी की शेयर्स की वैल्यू और बढ़ती है। मान लो अगर बिल्कुल जस्ट लाइक डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, ठीक है, और सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सप्लाई और डिमांड को साथ में करने के लिए डिमांड को बढ़ना पड़ेगा। मान लो एग्जांपल की तरह मार्केट मैनिपुलेशन को समझते हैं। एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कितनी है? 10, लेकिन सप्लाई कितनी है? 100। तो डिमांड और सप्लाई को मैच करने के लिए, ताकि मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्या करेगा हमारा एक सेलर करेगा, डिमांड बढ़वाएगा। डिमांड कैसे बढ़ाएगा? उसने क्या किया, मार्केट में रिज्यूमर्स फैला दिए, बिल्कुल ऐसे कि भाई इस प्रोडक्ट को खरीदने से ना ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब रिज्यूमर्स बढ़े, लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना शुरू किए। 10 से 20 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे ऐसे मार्केट पहुंच गई 100 पे और मार्केट बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गई। यहां तक तो ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गई, मार्केट पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी में आ गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मार्केट मैनिपुलेट तब होना शुरू हुई जब डिमांड बढ़ गई 200 तक। अब इसकी जो ट्रू मार्केट वैल्यू है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ये ट्रू मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई कितनी है? 100 की, और डिमांड 200 की है। और आपको पता है, अगर सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो प्राइस बढ़ता है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदना चाहता है और कोई ट्रेडिंग मेंबर मार्केट को मैनिपुलेट करता है शेयर्स की प्राइस बढ़वा के, तो उससे क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट मैनिपुलेट होगी, मार्केट ट्रू मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मार्केट शो नहीं करेगी ट्रू मार्केट वैल्यू, और प्राइस बिल्कुल गलत होगा, जस्टिफाइड नहीं होगा। तो मार्केट मैनिपुलेशन करते हुए अगर आप पकड़े गए, तो आपको सस्पेंशन या एक्सपल्शन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। उसके बाद आता है डिसऑनर्ड चेक। आपको पता होगा डिसऑनर्ड क्या होता है? डिसऑनर्ड मतलब होता है बेइज्जती करना। अगर हम एक्सचेंज को, सेबी को या एनएससीसीएल को ऐसा कोई चेक प्रोवाइड करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर फीस, इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग मेंबर्स फीस चार्जेस और मेंबरशिप फीस व्हाटएवर जो भी है, अगर आप पे करते हो बाय द मेथड ऑफ चेक, और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, मतलब कि वो चेक नहीं लगता,
बाउंस हो जाता है तो आपको मार्केट में बहुत ही भाई बिल्कुल क्लियर बात है एक्सचेंज आपको सस्पेंड या एक्सपेंड कर देगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आता है सिक्स्थ पे, आप सिक्स्थ पॉइंट है आपका फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन विद कॉन्सिक्वेंट। मान लो पहले लिख लेते हैं फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस विद कॉन्स्टिट्यूएंट। जब आप फेल हो जाते हो ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने में कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, तब क्या होता है आपको सस्पेंड या एक्सपेंड कर दिया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट को हम क्लाइंट्स कहते हैं। क्लाइंट्स के साथ अगर आप अगर मैं एक ट्रेडिंग मेंबर हूं, अगर मैं एक ट्रेडिंग मेंबर हूं, मेरे पास कोई इन्वेस्टर आया, मैंने उस इन्वेस्टर को बोला कि हाँ मैं आपकी ट्रांजेक्शन करवा दूंगा, लेकिन उस टाइम बाद मैंने उस क्लाइंट को बोल दिया, उस इन्वेस्टर को बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, और अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो क्लाइंट इन्वेस्टर या हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहें कोई भी, उसने कंप्लेंट कर दी एक्सचेंज को और एक्सचेंज को ये बात बुरी लगी क्योंकि उसके चक्कर में क्लाइंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो आपको एक्सपल्शन मिल जाएगा। क्लाइंट का छोटा नुकसान हुआ है तो आपको सस्पेंशन मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द केस। तो समझ आ गया होगा बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस लाइक कंडक्ट, और बिजनेस लाइक कंडक्ट से मतलब गड़बड़ हो सकती है, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अगला टॉपिक है हमारे पास अनप्रोफेशनल कंडक्ट। अब अनप्रोफेशनल कंडक्ट समझते हैं क्या होता है। अनप्रोफेशनल कंडक्ट होता है अगर आपका एक प्रोफेशन है, मान लो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हो, अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर हो मतलब एक स्टॉक ब्रोकर हो, तो आपका एक प्रोफेशन है। और आपका प्रोफेशन आपको क्या कहता है कि आपको काम बिल्कुल सही तरीके से करने चाहिए, अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए आपको सारे काम करने चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किए गए हैं, एक बात ध्यान में रखना, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल्स को कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि अलग अलग प्रोफेशंस को अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर को कोड ऑफ कंडक्ट क्या प्रोवाइड किए जाते हैं कि उसके पास कोई भी पेशेंट आए, अगर पेशेंट पे करने के लिए तैयार हो या पे करने की हालत में ना हो, तब भी आपको पेशेंट को संभालना है, उसे ठीक करना है, अपनी पेमेंट के बारे में बाद में सोचना है। जस्ट लाइक ऐसे ही हमारे ब्रोकर का भी होता है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है तो आप उसी इन्वेस्टर के साथ ट्रांजेक्शन करो जो इन्वेस्टर आपको पे कर सकता है, जो इन्वेस्टर एट द एंड पैसे पे कर सकता है, क्योंकि आपने तो अपना कमीशन निकाल लोगे, एक्सचेंज को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए हर अलग अलग प्रोफेशन को अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा अनप्रोफेशनल कंडक्ट आता है, जो ऐसे कंडक्ट जो आप अपने प्रोफेशन के खिलाफ करते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है बिजनेस इन सिक्योरिटीज इन विच डीलिंग्स नॉट परमिटेड। बिजनेस इन सिक्योरिटीज इन विच डीलिंग्स नॉट परमिटेड, कहता है आप ऐसी सिक्योरिटीज में बिजनेस करते हो जिसमें डीलिंग्स परमिटेड नहीं होती हैं। इफ ऐसा होता है ऐसे सिक्योरिटीज में आप बिजनेस करते हो जिसमें डीलिंग्स परमिटेड नहीं होने का मतलब है कि एक्सचेंज ने बैन कर रखे हैं वो सिक्योरिटीज, लेकिन तब भी आप ट्रांजेक्शन में आए किसी इन्वेस्टर या किसी क्लाइंट के साथ कि हाँ मैं आपको उस कंपनी के शेयर खरीदवा दूंगा फ्रॉम प्राइस मार्केट फ्रॉम एनीवेयर, अगर ऐसा आप करते हो तो ये आपके प्रोफेशन के खिलाफ है, और आपके प्रोफेशन के खिलाफ अगर है तो वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट है, और अगर वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट है तो आपको सस्पेंशन या एक्सपल्शन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। उसके बाद अगला है आपके पास बिजनेस विद डिफॉल्टिंग कॉन्सिक्वेंस। Business with defaulting constituent. अगर आप ऐसे किसी client या constituent या फिर
साथ बिजनेस करते हो जिसने ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे डिफॉल्ट्स किए हुए हैं, अगर आपने ऐसे किसी भी ट्रेडिंग में, अगर आपने ऐसे किसी भी क्लाइंट कॉन्सिक्वेंट या इन्वेस्टर के साथ आप अगर बिजनेस करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो और जिसने पहले ही मार्केट में बहुत सारे डिफॉल्ट किए हुए हैं, तो वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट है, वो आपके प्रोफेशन के खिलाफ है। और अगर आपके प्रोफेशन के खिलाफ कोई कंडक्ट होता है तो वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट है, और अगर आप कोई अनप्रोफेशनल कंडक्ट करते हो तो आपको वो सस्पेंशन या एक्सपल्शन मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। आगे आता है आपके पास ट्रांजेक्शन बिजनेस विद एन इंसॉल्वेंट without obtaining the constant of, कहता है transact in business with an insolvent without obtaining the consent of the relevant authority even if the individual has obtained the final discharge from the insolvency court। आप ऐसे किसी भी इन्वेस्टर के साथ नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो। समझते हैं, ट्रांजैक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट हु इज इंसॉल्वेंट। देखो इंसॉल्वेंट समझते हैं, इंसॉल्वेंट होता है जिसकी liabilities are more than his assets। insolvent वो होता है जिसकी liabilities बड़ी होती है उसकी assets से। मान लो अगर मैं एक investor हूँ और मैं insolvent हूँ तो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे पास उधारी ज्यादा है, मेरे पास पूंजियों से मतलब कि मेरे पास एसेट ज्यादा, एसेट कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, मुझे लोगों का पैसा ज्यादा चुकाना है और मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास जेब में 100 रुपए है और मेरे को लोगों को उधार जो चुकाना है वो है 200 रुपए, तो मेरी लायबिलिटीज ज्यादा है फ्रॉम माई एसेट। तो ऐसा होता है अगर, तो हम उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। और ऐसे इंसॉल्वेंट क्लाइंट के साथ अगर ट्रांजेक्शन की जाती है तो वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल है। और अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो इंसॉल्वेंट पहले इंसॉल्वेंट था, इंसॉल्वेंट नहीं है, तब भी मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता उसके साथ, उस क्लाइंट के साथ जो पहले इंसॉल्वेंट था अब नहीं है, जब तक उसे कोर्ट से बोल दिया गया हो कि वो अब इंसॉल्वेंट नहीं रहा, उसे सारे उसने अपने चार्जेस डिस्चार्ज कर दिए हो, तब तक मैं उसके साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो अनप्रोफेशनल कंडक्ट है अगर आप किसी भी इंसॉल्वेंट बंदे के साथ, या फिर ऐसा बंदा जिसने अभी तक इंसॉल्वेंसी कोर्ट से अपना परमिशन ग्रांट नहीं की है कि उसने इंसॉल्वेंट हो नहीं रहा, तब तक आप उस ऐसे क्लाइंट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट होता है जहां जिसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है एसेट से, वो क्लाइंट होता है इंसॉल्वेंट। कैरिंग आउट the business in suspension period। अगर आप एक ट्रेडिंग मेंबर को सस्पेंशन दे दिया गया है मार्केट से और वो तब भी अपना ट्रेडिंग मेंबर का बिजनेस चला रहा है, और अगर वो ऐसा करता है, ट्रेडिंग मेंबर का बिजनेस चलाता है, तो उसे मार्केट से एक्सपेंड कर दिया जाएगा, इसका कोई केस डिपेंड ही नहीं करता, वो ऑलरेडी सस्पेंड है, तब भी वो मार्केट में अपना बिजनेस चला रहा है फ्रॉम द नेम ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, अपने नाम से, लेकिन वो तो सस्पेंड है, तब भी वो अपने उसी नाम से ट्रेडिंग मेंबर वाला बिजनेस कर रहा है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे मार्केट से एक्सपेंड कर दिया जाएगा, कोई दोहराए ही नहीं है। उसके बाद आगे आपके पास आता है बिजनेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ अदर, सॉरी उसके बाद आता है इवेजन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, इवेजन ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट। अगर आप मार्केट रिक्वायरमेंट को इवेजन मतलब होता है, मूवी देखी है हेरा फेरी मतलब होता है इवेजन, मतलब कि अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको मार्जिन हम समझेंगे आगे क्या होता है। अगर आपको कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बनाने हैं, उन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में आप इवेजन करते हो, हेरा फेरी करते हो, तो सिक्योरिटीज खरीदने से इतना हल्का सा ध्यान में रखो, मैं आपको एग्जांपल थोड़ा समझा देता हूँ, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। मार्जिन में क्या होता है,
मार्जिन एनवायरनमेंट क्या होती है। अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो 100 शेयर खरीदने हैं तो उस पर आपको 10 से 15% का मार्जिन बनाना पड़ता है ताकि नुकसान ना हो सामने वाली पार्टी को। और आपको 10 से 15% का जब मार्जिन बनाना पड़ता है तो उस 10 से 15% के मार्जिन में अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर हेराफेरी करता है तो वो उसके प्रोफेशन के खिलाफ है, अनप्रोफेशनल कंडक्ट है, और अनप्रोफेशनल कंडक्ट है तो उसे सस्पेंशन एक्सपल्शन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस। ऐसे ही आप इमेजिन करते हो ब्रोकरेज चार्जेस में, इमेजिन इन ब्रोकरेज चार्जेस। मान लो आपको ब्रोकरेज चार्जेस कितने पे लेने होते हैं 2.5%, लेकिन आप किसी क्लाइंट से 4% 5% 6% 10% 15% 20% ब्रोकरेज चार्जेस लेते हो तो ब्रोकरेज चार्जेस में आप हेरा फेरी करते हो तो वो भी अनप्रोफेशनल है। अगर वो अनप्रोफेशनल है तो अनप्रोफेशनल कंडक्ट में आएगा, और अगर वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट में आएगा तो डिपेंडिंग ऑन द केस एक्सपल्शन या सस्पेंशन हो सकता है। तो यही था आपका पूरा सस्पेंशन एक्सपल्शन के अंदर जो कंडक्ट्स आते हैं। तो ध्यान में रखना सस्पेंशन एक्सपल्शन के अंदर 3 टाइप ऑफ कंडक्ट्स आते हैं, मिसकंडक्ट, अनप्रोफेशनल कंडक्ट और अनबिजनेसलाइक कंडक्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द केस आप इसमें आपको केस स्टडीज आ सकती हैं एग्जाम में, डिपेंडिंग ऑन द केस आपको सस्पेंशन एक्सपल्शन मिल सकता है तो ध्यान में रखना। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस सस्पेंड कैसे हो सकता है, एक बिजनेस को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस होता है, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस होता है जब एक पूरे के पूरे बिजनेस को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। एक ट्रेडिंग मेंबर का बिजनेस है, ट्रेडिंग मेंबर ने अपने ट्रेडिंग मेंबर आईडी के नाम से एक बिजनेस खोला हुआ है, और अगर वो बिजनेस करता है जो गलत तरीके से करता है और गलत तरीके से बिजनेस करेगा तो ट्रेडिंग मेंबर की आईडी ही नहीं उसके पूरे बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर उसके पूरे बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो मतलब उसे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस कहेंगे। तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस क्या होता है समझ आ गया होगा। अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं बिजनेस को सस्पेंड किए जाने के। तो सबसे पहले कहता है प्री जुडिशियल बिजनेस, व्हेन अ रिलेवेंट अथॉरिटी फाइंड्स दैट अ ट्रेडिंग मेंबर कंडक्ट बिजनेस इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द एक्सचेंज बाय द मेकिंग परचेजेस और सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज और ऑफर टू परचेज और सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ अपसेटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट और ब्रिंगिंग आउट ब्रिंगिंग अबाउट अ कंडीशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन व्हिच प्राइसेस विल नॉट फेयरली रिफ्लेक्ट द ट्रू मार्केट वैल्यूज। कहता है प्री जुडिशियल बिजनेस, जब आप ऐसा बिजनेस करते हो विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू मार्केट वैल्यू एंड बिजनेस done to upset the market equilibrium कहता है। अगर बिजनेस होता है जो अगर आप बिजनेस करते हो तो प्री जुडिशियल बिजनेस अगर आप करते हो, प्री जुडिशियल बिजनेस मतलब कि ऐसा बिजनेस जो मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता, आपने किसी क्लाइंट से कम पैसे लेने थे लेकिन आपने उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया ताकि आपका फायदा हो तो वो मार्केट वैल्यू ट्रू मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता, या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे मार्केट अपसेट इक्विलिब्रियम हो गई मतलब कि मार्केट में प्राइसेस अपने आप उस शेयर के बढ़ने लगे जिसके नहीं बढ़ने चाहिए थे। मैंने पीछे एग्जांपल दिए थे मिसकंडक्ट में, बिजनेस लाइक कंडक्ट में या प्रोफेशनल कंडक्ट में, तो वही बात है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, वो प्री जुडिशियल बिजनेस होता है।
तो देखो ध्यान रखना, एक सस्पेंशन ऑफ बिजनेस सिर्फ इन तीनों में से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, तीन तरीके, इनमें से सिर्फ एक ही में होगा। तो ध्यान रखना कि या तो प्री जुडिशियल बिजनेस होगा या फिर अनवॉरंटेबल बिजनेस होगा। इसीलिए और अलग है, अनवॉरंटेबल बिजनेस क्या होता है, व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटी द ट्रेडिंग मेंबर एंगेजेस इन अनवॉरंटेबल बिजनेस और इफेक्ट परचेजेस और सेल्स फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंट अकाउंट और फॉर एनी अकाउंट इन व्हिच इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड व्हिच परचेजेस एंड सेल्स आर एक्सेसिव इन द व्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंट इट्स ऑल मींस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इन द व्यू ऑफ मार्केट और सर सिक्योरिटी। क्या कहता है अनवॉरंटेबल बिजनेस, वो बिजनेस होता है जो बिजनेस हमारा गलत तरीके से हमारा ट्रेडिंग मेंबर क्या कर रहा है, ट्रेडिंग मेंबर ट्रेडिंग मेंबर डूइंग ट्रांजैक्शन इन द नेम ऑफ हिज क्लाइंट एंड विद With his resources। कहता है जब हमारा ट्रेडिंग मेंबर ना ट्रांजेक्शन करता है किसके नाम से, अपने क्लाइंट के नाम से, क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं। हमें पता है कि ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर किसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करता है, क्लाइंट के या फिर इन्वेस्टर के बिहाफ पे, लेकिन वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे नहीं, अपने फायदे के लिए उसके पैसों से, उसके रिसोर्सेज से ट्रांजेक्शन कर रहा है, शेयर्स में शेयर परचेज कर रहा है। और इस बात की खबर किसे नहीं है, इन्वेस्टर को अगर इस बात की खबर नहीं है तो वो अनवॉरंटेबल बिजनेस है, वॉरंटेबल नहीं है। और ऐसा बिजनेस अगर हमारा ट्रेडिंग मेंबर करता है तो पूरे उसके बिजनेस को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द केस, प्रीजुडिशियल बिजनेस में भी अगर आप प्रीजुडिशियल बिजनेस करते हो तब भी आपको सस्पेंड कर सकते हैं, अगर आप अनवॉरंटेबल बिजनेस करते हो, एक ट्रेडिंग मेंबर अनवॉरंटेबल बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस को सस्पेंड कर दिया जाता है। और कहता है तीसरा और लास्ट, अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन। कहता है अगर किसी भी ट्रेडिंग मेंबर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अनसेटिस्फैक्टरी नहीं है, मान लो आपको कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, आपको कुछ सेबी को आपको चार्जेस, मेंबरशिप फीस, जितने भी चार्जेस हैं एक्सचेंज सेबी एनएससीएल को पे करने रहते हैं टाइम टू टाइम, आपको कुछ मार्जिन बनवाना पड़ता है टाइम टू टाइम, आपको नेटवर्थ अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है टाइम टू टाइम, कैपिटल एडवाइजरी रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट मेंटेन करके रखनी पड़ती है टाइम टू टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट फीस चार्जेस सेबी एनएससीएल या एक्सचेंज को पे करने में अनसक्सेसफुल रहते हैं तो आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया जाएगा विद योर, सस्पेंड कर दिया जाएगा विद योर ट्रेडिंग मेंबर आईडीज फॉर अ टेंपरेरी पीरियड ऑफ टाइम, आपके बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा आपके ट्रेडिंग मेंबर आईडी के साथ साथ, मतलब कि आपके ट्रेडिंग मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके बिजनेस को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसमें एक और केस आता है, अगर ट्रेडिंग मेंबर मेंबरशिप को अगर एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो उसके बिजनेस के साथ क्या होगा, उसका बिजनेस भी एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड बिजनेस किससे चल रहा था, उसके ट्रेडिंग मेंबरशिप से। और ट्रेडिंग मेंबरशिप अगर एक्सपेंड हो गई उसको हमेशा के लिए परमानेंटली उसके ट्रेडिंग मेंबरशिप को निकाल दिया गया, बंद कर दिया गया, तो उसका बिजनेस भी फॉर द परमानेंट टाइम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक इंडिविजुअल मालिक है अपने बिजनेस का, तो अगर पार्टनर्स में है और पार्टनर्स के पास ट्रेडिंग मेंबरशिप बिल्कुल सही है तो उनकी तब वो बिजनेस चल सकता है, लेकिन उस केस में सिर्फ उसका ही मेंबरशिप बंद होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप नहीं है तो पूरा बिजनेस के साथ उसकी मेंबरशिप भी चल जाएगी। तो होपफुली आपको सस्पेंशन ऑफ बिजनेस समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सस्पेंशन एंड रिजल्ट क्या होते हैं सस्पेंशन के, एंड रिजल्ट क्या होते हैं एक्सपल्शन के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गुड बाय।